तेरे आने से हो याने बाहर, दिल नची जावे धक धक के। हाँ मोना, फिकर की कोई बात नहीं पुत्र, लॉर्ड स्टेशन के बाहर हर किस्म की सवारी मिल जाती है, किसी पे भी सवार होके आ जाना। इंजन फेल हो गया और वक्त लगेगा, ये तो अच्छी बात है। नहीं, मेरा मतलब है फिकर की कोई बात नहीं पुत्र, गड्डी जंगल में खड़ी है तो जंगल एंजॉय करो पुत्र, शाबाश। ओके ओके, फिर बात होगी। वो ट्रेन का इंजन फेल हो गया, गड्डी अब सुबह ही पहुंचेगी। तो मैंने खाना तो खा लिया था ना? हाँ खा लिया था। मैं अब सोने लगा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना। अच्छा खाना खाओ, सो जाओ, जाग जाओ, खाना खाओ, सो जाओ। तुम अपनी लाइफ से खुद नहीं डिस्टर्ब होते? क्या हो गया है, इतना चीख क्यों रही हो? तुम्हारे करीब ही लेटा हुआ हूँ। वैसे भी अब मोना का आना बेफायदा होना। ये लो, मना कर दो उसको, कहो कि गड्डी से उतरे और दूसरी गड्डी में बैठ जाए। ये लो, तुम्हारा नक चढ़ा चहीता लाडला मगरूर भतीजा किसी और लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। कौन? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे क्या कूर रही हो, मेरा क्या कसूर है? नहीं हमाद जी, आपका तो कोई कसूर ही नहीं है, सारा कसूर तो मेरा है। मैंने ख्वाब देखा था ना कि मैं इस पूरे घर पे हुक्मरानी करूंगी। मैंने ख्वाब देखा था कि पहली दफा लाइफ में आप अपने पांव उतारेंगे बिस्तर से और मालकाना राज करेंगे इस घर पर। पागल गदी तो मैं हूँ, तुम्हारे जीते जी तो मेरी लाइफ में तब्दीली कभी नहीं आने वाली। उठेगा हाय मेरी नौटंकी दादी, आप तो बड़ी कमाल की एक्टिंग निकली, सदके जाओ। वैसे सच बताओ मुझे उम्मीद नहीं थी, पर क्या आपने एक्टिंग की है, कमाल। आपने तो सभी खाबों को भी पीछे छोड़ दिया भाई। वैसे दादी, रानिया नहीं होती ना तो ये मुमकिन नहीं था। ऑल क्रेडिट गोज टू रानिया, थैंक यू रानिया। कोई नहीं यार, मेरा तो फर्ज था ये। अब चलें या कोई और भी है जिसको तुमने मसले निपटाने हैं? चलो। नहीं हो गया, आज के लिए काफी है। बहुत बड़ा काम कर दिया तुम। और नहीं तो क्या। अब चलो। आ रही हूँ, चलती हूँ मैं फिर है। ओके बाय बाय रानिया। ओके जी बाय, अपना ख्याल रखिएगा है। इफ्रा तुम भी बाय। अच्छा आंटी, मैं भी चलता हूँ, कल आऊंगा। हाँ मैं भी आऊंगी कल, ठीक है बाय। चले क्या हुआ? रुके तो, क्या हुआ? आपको खुश नहीं हुई इनके रिश्ते से? कहीं आपको भी तो फिर से मोहब्बत नहीं हो गई थी? अब जाके अंदाजा हुआ, अगर आप कहते हैं तो मैं रिश्ता तोड़वा देती हूँ, आप अपनी दाल गिरा लीजिए। बिल्कुल चुप, मेरे बारे में ज्यादा अंदाजे मत लगाओ तुम, और तुम तो मुझसे बात ही मत करो। क्यों? मेरी बात सुने, आप मेरी कामयाबी से इतना जेलस क्यों होते? हाय, अगर अल्लाह ताला ने मुझे आपसे ज्यादा ज़हीन बनाया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? हॉस्पिटल के स्टाफ से ये किसने कहा है कि तुम मेरी मंगेतर हो? ओह अच्छा, तो ये बात है। बस बस ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो, सब समझता हूँ मैं कि दिन में ख्वाब देखना ना छोड़ दो तुम, तुम्हारे इन ख्वाबों को तो कभी ताबीर मिलने ही नहीं वाली। आए हाय बड़ी खुश पहनिया। ओ भाई मेरी बात सुने, मुझे ना अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने का कोई शौक नहीं है। वो तो साली की अम्मी को मैं पसंद आ गई थी, मेरा रिश्ता मांगने के मंसूबे बना रही थी, इसलिए मुझे ये कहना पड़ा। और अगर कभी गलती से भी घर वालों ने ऐसा सीन बनाया ना, मैं आपको जहर खिला दूंगी, लेकिन ये शादी कभी नहीं करूंगी। आई समझ?
आया बड़ा, चले अब। इसको तो मैं ही छोड़ूंगा। अरे वाह, क्या लड़की है वो, सबके साथ फौरन घुल मिल जाती है, हर किसी का काम करने को फौरन तैयार हो जाती है। अगर उसका मंगेतर, वो काफी रूठ लगा मुझे। अरे मंगेतर, कैसा मंगेतर, कहाँ का मंगेतर, कोई मंगेतर मंगेतर नहीं है, वो कजन है। क्या वाकई? हाँ, असल में साली की मदर इफ्रा और ना माहिर का रिश्ता करवाना चाहती थी, इसलिए रानिया ने ये बात बनाई थी। वो अच्छा, तो ये बात है। अयाज, तुमसे मिलोगे ना तो बहुत खुश हो जाओगे। हाँ 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 बिल्कुल, बस एक बार लाइबा ठीक हो जाए ना तो डायरेक्ट रानिया से मिलने चले। भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज मुझे घर ले जाएं। बेटा बिल्कुल ठीक है हमारी नजर में, लेकिन आपकी तबीयत बहुत खराब है हॉस्पिटल की नजर में, क्योंकि बाजी के ऑफिस के पैनल का हॉस्पिटल है ना, तो डॉक्टर कह रहे हैं 3-4 टेस्ट और बाकी है, एंजॉय। अयाज तुम तो चुप करो। हाँ भाई, उनके घर हम जरूर जाएंगे, लाइबा को बर वक्त हॉस्पिटल लाकर रानिया ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हाँ हाँ मामा बिल्कुल, आप वहाँ जाके ना बहुत खुश होंगी, क्योंकि वहाँ पर और भी अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, क्यों मामू? मामू नहीं, अयाज। ओके मिस्टर अयाज, आपको तो पता ना कि वहाँ कितनी सुलझी हुई खातिन रहती हैं, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी हैं। भाई हमारे जोड़ का वहाँ कोई नजर नहीं आया। ऐ सच बाजी, क्या जमाना आ गया है ना, बेवा और तलाक याफ्ता खवातीन का फैशन ही खत्म होता जा रहा है। आप दिल छोटा मत करें, अभी आपकी उम्र ही कितनी है, मिल जाएगी आपको छोड़ के अपनी, मिल जाएगी। क्यों लाइबा, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? मुझे नहीं पता, घर जाना है मुझे। कि नर्सों की हड़ताल चल रही है क्या? मैं हमें नर्स रुबैका से पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम रुबैका, सारा पीछे पता है उनको। रुबैका, मैडम रुबैका, एक्सक्यूज मी। मानो टीपो, कितनी बार बुलाऊं तुम लोगों को, घसीट कर लेकर जाऊंगी मैं। हाँ जी करूंगा, तुम थोड़ी देर ना। नहीं, आए हाय। अरे रानिया भी आ गई। हाय बच्चों, रानिया आप कहाँ चली गई थी? हाय बड़ी लंबी स्टोरी है, आराम से बैठ के बताऊंगी तुम लोगों को। आज ना मैंने बड़ा ही नेकी का काम किया है, और बताती तुम लोगों को अंदर। भाई इफ्रा और इफ्रा की दादी ने मेरे कहने पे क्या मस्त एक्टिंग की, तुम लोग वहां पे होते ना जरूर दा देते मुझे। इफ्रा की दादी क्या मजलूमियत की बुत बने बिस्तर पे लेटी थी, लेकिन भाई वो सालिक की अम्मी तो बिल्कुल पत्थर दिल वाकिया हुई, मान ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। भाई मुझे भी भूख लगी है, शहनशाह मेरे लिए भी खाना ले आ। शहनशाह जल्दी खाना गर्म करके लाओ उसके लिए। फिर आगे क्या हुआ? हाँ फिर, अरे फिर क्या हुआ मैं बताता हूँ। इसने इफ्रा की तारीफ में इतने झूठ बोले, इतने झूठ बोले। आप ना खाने पे ध्यान दें, हर बात में बोलना जरूरी नहीं होता। भाई मैंने कौन से झूठ बोले, मैंने तो सिर्फ साले की अम्मी को ये एहसास दिलाया कि इफ्रा उनके बेटे की पसंद है और उन्हें अपने बेटे की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। बोलो इसमें कौन सी गलत बात है? और फिर इसकी ऐसी बेइज्जती हुई, मुझे तो बहुत मजा आया। इफ्रा की अम्मी ने इससे कहा कि भाई तुम होती कौन हो हमारे घर के मामले में टांग अड़ाने वाली, और ये शर्मिंदा नहीं हुई, आगे से कहती है कि मैं सालिक के दोस्त माहिर मतलब मेरी होने वाली बीवी है। क्या? इतना बड़ा झूठ? हाय माहिर सच सच बताओ, वाकई इसने ये कहा है? नहीं नहीं चच्ची मैं तो जी, और इसके कहने की देर थी, हॉस्पिटल का सारा स्टाफ मुझसे अफसोस करने आ गया। वो कहता है कि यार मैं बहुत दुख हुआ, भाई आपकी जिंदगी तो शुरू होने से पहले खत्म हो गई, आपकी होने वाली बीवी ये है। अरे वो तो मैं था, मैंने सिचुएशन संभाल ली, मैंने कहा कि भाई घर वालों के प्रेशर में आके रिश्ता कर लिया, मैं कौन सा इससे शादी करूंगा। तो मैं कौन सा मरे जा रही तुमसे शादी करने के लिए, मैंने तो बताया भी था कि मैंने तो मसलतन कह दिया था, लेकिन नहीं सबको जान बूझ कर बार बार बताएंगे ये अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए ना कि इतनी खूबसूरत लड़की शादी के लिए रेडी हो गई। कभी आईने में जाके अपनी शक्ल देखी है? काली बोतल का स्ट्रॉ लगती है ना। पर
नहीं था यार। अपनी तरफ कर दिया। एहसासे कमतरे में मुब्तला शख्स दर हकीकत नफ्सियाती मसाइल का शिकार होता है। ऐसा शख्स अपने असल को छुपाता है और वो नजर आने की कोशिश करता है जो वो नहीं है। ऐसे शख्स को एक मरीज की तरह हमदर्दी से टैकल करना चाहिए। अरे बाप रे बाप, अपने माहिर साहब तो साथी मसाइल का शिकार निकले। ये जो अपनी शान में कसीदे पढ़ते हैं, ये असल में इनकी सांसे कमतरी है। मैं इतनी सी भी बात नहीं समझ सकी। हाथ से मैं उनको इसी तरह डील करूंगी जैसे इस किताब में लिखा है। चल भाई रानिया, सिराजम तो तुम बनोगी, अब चंद दिन के लिए माहिर नफ्सियात भी बनकर देख लो। जल्दी खत्म करो, ये चम्मच कांटे से कौन खाता है सैंडविच? इंसानों की तरह खाओ। हाय महीर, सुनो प्लीज, बच्चों को छोड़ दो, स्कूल लेट हो रहे हैं। क्यों, इनके फादर हैं? अच्छा, हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने तो चिट्टा जवाब दे दिया था। अब किसी ने तो मेरी बेचारी मोना को जाकर पिकअप करना था ना। इसका मतलब कि मोना आ गई। माशाल्लाह, यस। जल्दी करो, भाई छोड़ देगा स्कूल, जल्दी करो। मैं किसी को कहीं नहीं छोड़ूंगा, मुझे बहुत काम है। वो इफ्रा की दादी को मिलने के लिए अस्पताल जाना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी भी जाना है, और भी बहुत सारे काम है। मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कैब कराए खुद ही छोड़कर आए। वैसे किसी भी बच्चे को ना तुम जैसा भाई नहीं मिलना चाहिए। परेशान क्यों हो रही है चची, घर पर बाइक तो खड़ी है, मैं छोड़ाती हूँ बच्चे को। क्यों बच्चों? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था बच्चों, खिदमत खल्क करने वाली आंटी तो हमारे घर में मौजूद है। तुम एक काम करना, पहले बच्चों को बाइक पे इनके स्कूल ड्रॉप कर देना, उसके बाद राबेल को कॉलेज ड्रॉप कर देना, और उसके बाद इफ्रा की दादी और फरहाद की बहन, उनसे हॉस्पिटल में मिलना है, और देख लेना कि घर में किसी चीज की कमी वगैरह हो ना तो वो भी बाजार से जाके ले आना, ठीक है? समझ रही है कि घर के मसले सुलझाएगी? ये नहीं जानती कि सबसे बड़ा मसला खुद ही है। बढ़िया है। अब ना मुझे आपकी किसी भी बात पे गुस्सा नहीं आता, बल्कि तरस आता है। आप मुझसे कुछ भी कहते हैं, मैं माइंड नहीं करूंगी कसम से। आपको बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला ना, इसीलिए। क्या, ये क्या कह रही हो? अरे भाई, मैं सब जानती हूँ, आप जो दुनिया से अपनी कमियां छुपाने के लिए ये सब करते हैं, अपने चेहरे पे नए नए रूप सजाते हैं, मैं सब जानती हूँ। मुझे आपके अंदर का दुख पता चल गया है। कमी, दुख? पागल हो गई हो क्या? ख्वाब देख रही हो? अजीब बातें किए जा रही हो। चलो बच्चों, चलो आओ, तुम लोगों को स्कूल ड्रॉप कर दूं। कहीं बाइक चलाते हुए सो गई तो नुकसान हो जाएगा, रात में नींद पूरी क्या करो। अच्छा नाश्ता? अंदर का दुख? ड्राइव ध्यान से कीजिएगा, लंच अच्छा ये तो खाते जाए। आप इन्हें लंच बॉक्स नहीं देती हैं, यूनिवर्सिटी जाके क्या खाएंगे ये? हेलमेट पहन के बाइक चलाया करो, सभी एक जैसे हैं इस घर में, क्या खाएंगे यूनिवर्सिटी जाके? चलो मैं जरा बाहर जाके बाइक को तो किक मारूं। समन किधर है? तो अपने कमरे में। ले, एक ते उस कुड़ी दा स्यापा नहीं मुकदा, अब मियां उसको लेने नहीं आ रहा तो अब सोग मनाती रहेगी है। सीमा क्या सोचेगी, उसकी पहन आ रही है तो वो सोचेगी कि समन उसके आने पे खुश नहीं है।
खुशी तो वाकई कोई नहीं अम्मा जी, अजीब किस्म की लड़की है वो, खुद दुनिया जान की बातें सुनाती है, लोगों को जलील करती है और सामने से जवाब दे दो तो उसका मुंह बन जाता है। चल थोड़े दिन के लिए तो आ रही है, बर्दाश्त कर लेना। ये हमाद कितने रह गया भाई, है सुबह का गया मैंने लेने के लिए, ट्रेन फिर से लेट हो गई होगी और क्या। पुत्री तू किस काम में पै गई है, वो कर लेगी ना मुलाजमा, छोड़। अम्मा जी वेले बैठ बैठ के ना मैं बोर हो गई हूँ, पता नहीं मेरे एडमिशन कब ओपन होंगे, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठने की आदत नहीं है मुझे। माँ सदके जी उन्हें। ओ ओए आराम से नीचे रख नीचे। ओए ये तो पूरा घर ले आई है। कहने आ गए ने चल सो बिस्मिल्लाह। अम्मा जी मोना आ गई है। है तो किथे हेलो हेलो बिस्मिल्लाह। ओ हेलो दादी अम्मा। बसलाम बसलाम ठीक है पुत्री है, सफर ठीक गुजरा तेरा? सफर तो मेरा बहुत अच्छा था मेरी तरह, बस थोड़ी सी ट्रेन लेट हो गई थी लेकिन कोई बात नहीं। जा जा बैठ बैठ जा आशावा बैठ जा, शंशाट शरबत ले आना पापा ले। तो ये रानी है, अरे आपने इतना शोर मचाया था, ये कौन सी इतनी हूर की परी, इसको तो मैं अपनी अदाओं से ही मार दूंगी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो रानिया? मैं ठीक। आप ही तुम्हारी बहुत तारीफें करती थी। अच्छा और राबेल तुम? मैं भी ठीक। बहुत प्यारी लग रही हूँ। और बाकी के लोग नहीं दिखाई दे रहे? वो बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए ना। नहीं बच्चों की नहीं बात करिए तो महीर की बात करिए ना, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों की आपस में बीच में है। अच्छा फिर तो बहुत अच्छा, क्या तुम आ गई। अम्मा जी करें ना माहिर को कॉल, बताएं कि मोना आई है जल्दी से आ जाए, दरअसल ना उसे इस वक्त एक अच्छे दोस्त की बेहद जरूरत है। रानिया थोड़ी देर से चुप बैठी रहो, तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता। सब पता चल रहा है तभी तो। रानिया प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता। तू क्यों इस तरह थक गया वे है, ट्रेन नु धक्का देता है। सामान चुक चुक के थक गया हूं। तो उसके साथ छोड़ो, मैं महीर को फोन करती हूँ। मैं करूँ क्या? ओवर मत करो। अच्छा क्या मोना आई है? तो मैं क्या करूँ? अच्छा जी अब इतना भी ना बने, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपकी और उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। वैसे पता है मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो आई है, उसके आने से कम आपकी जिंदगी में थोड़ी सी तो रौनक आएगी। आप अंगारे चबाने के बजाय मुस्कुराएंगे। उदास जिंदगी मेरी क्यों? मेरी महबूबा मुझे छोड़ के भाग गई है, मेरे बारे में ये उल्टी सीधी बातें मत किया करो। उदास जिंदगी। और एक और बात, तुम मुझ पर कोई किताब नहीं लिख रही हो, इसलिए अब अगर तुमने अपने ख्यालातों का इजहार किया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी दादी के चहेते भाई के घर का चश्मा चिराग व्हाटएवर जो भी हो, समझ आई? महरूमियों ने तो आपको बड़ा ही कड़वा कर दिया है, पता है सास से कमतरी बहुत गहरी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, मैं ठीक कर लूंगी। चाचू वैसे तो पूरा दिन घर पे होंगे मगर अब भी उनको बाइक लेकर जाएंगे, आराम से हम उनकी बाइक पर चले जाते। तो ठीक है ना, यहाँ गली के कोने से रिक्शा लेंगे, फटाफट से मॉल चले जाएंगे, क्या टेंशन है तुम्हें? अच्छा सुनो ज्यादा देर मत लगाना, मुझे ना ये शॉपिंग वॉपिंग में ना ज्यादा मजा नहीं आया। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ अपनी थोड़ा सा सामान लूंगी, अपनी दोस्त के लिए बर्थडे का गिफ्ट लूंगी और फटाफट वापस आ जाऊंगी। पक्का नहीं लगेगा, पक्का प्रॉमिस। बस ठीक है। हेलो 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 हेलो, मुझे आपसे गिला है। मुझसे क्यों भाई, मैंने क्या किया है? आप हॉस्पिटल तक नहीं आई मेरी बहन का हाल पूछने के लिए? वो रानिया को भेज रहा था, वो तो आती जाती रहती है। लेकिन मुझे आपका इंतजार था ना। वो अब इस बेचारी को क्या पता कि आपको इसका इंतजार था है? चले हम जरा जल्दी में फिर मुलाकात होगी, ठीक है बाय। ओके हम आपके घर आएंगे बहुत जल्द। क्यों इसको क्या काम है हमारे घर क्यों आएगा ये?
पता नहीं वापिस आके सोचेंगे। चलो जूते देते हैं। अरे ऐसे तो हमारे खुशहालपुर में भी मिलते हैं, आप वही तो नहीं है जिनकी बड़े बाजार में भी दुकान है वहाँ पे खुशहालपुर में? जी हाँ वो ही है, देखा मैंने कहा था ना तुम ले लो, डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट देंगे ना भाई? यार मैं थक गई हूँ राबेल, प्लीज बस कर दो, घर चलो। बस ये थोड़ा सा मेकअप ले लो यहाँ से। नहीं 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 मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। ये देखो कॉफी, एक काम करते कॉफी लेते हैं और कपकेक्स लेते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है आ जाओ, कॉफी पीते हैं। वैसे सैंडविचेस भी होते हैं इनके पास, बहुत मजे मजे। आओ इनके पास आओ, इधर आओ, चेक करो जरा। अच्छा रानिया, क्या हो गया, कहाँ थी तुम, कब से ढूंढ रही हो? चलो कॉफी नहीं पीनी, इतनी भूख लग रही थी और अब इधर आ गई, चलो। अस्सलाम वालेकुम। उसका फोन और पर्स गड्ढे पे छिन गए क्या? बड़ी खामोशी से अंदर चली गई, इतनी मासूम भी है तो नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, घर से जाती भी तो अच्छी भली थी, मॉल में जाके भी ठीक थी, बस अचानक ही वहाँ पे कुछ हुआ और इसका मूड खराब हो गया। कब से पूछ रही हूँ लेकिन कुछ बता ही नहीं रही है। मॉल जाके मूड खराब हुआ है, ओ समझ गया बेचारी। क्या मतलब, क्या समझ गए? जाहिर है मॉल में तुम शॉपिंग कर रही होगी, महंगी महंगी चीजें ले रही होगी, खाना पीना किया होगा, तुम्हें देखकर इस बेचारी ने बहुत फील किया होगा, इसीलिए मुंह बना हुआ इसका। जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो ये तो हैरान होकर मुझे देख रही थी कि मैं इतनी सस्ती सस्ती चीजों को इतना महंगा क्यों खरीद रही। हाँ वो तो जाहिर सी बात है ना, ताकि तुम्हें ये पता ना चल जाए उसने फील किया। राबेल तुम यहाँ फारिग क्यों बैठी हो? प्लीज जाके बच्चों को पढ़ा दोगी, मुझसे तो वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो रहे, प्लीज। ठीक है ये सामान रखिए ना, मैं अभी बच्चों को देख लेती हूँ। हाँ जल्दी। तुम कब आए? और ये क्या तुम बोरिंग चीजें देखते रहते हो, कोई अच्छी सी मूवी लगाओ ना, हम साथ देखते हैं। हाँ हाँ मूवी, हाँ मूवी लगानी चाहिए, गुड आइडिया। मैं अपने कमरे में जाता हूँ, अच्छी सी मूवी लगाता हूँ। हाँ लेकिन मुझे भी देखनी है तुम्हारे साथ, प्लीज रुको। अगर मेरे बाबा हयात होते तो इसी एज के होते, वो शख्स बिल्कुल मेरे बाबा जैसा था, कौन है वो? मेरे बाबा से इतनी मुशाबियत कैसे हो सकती है? बाबा के तो कोई भाई भी नहीं है, कोई रिश्तेदार अजीज, मुझे उनसे मिलना चाहिए था, बात तो करती
पूछती तो सही वो कौन है, कितनी बड़ी भूल हो गई यार मुझसे, अब कहां ढूंढूं उन्हें। सुनो सुनो ना, मैं जब से यहां पर आई हूं तुमने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की। ढंग से बात करनी नहीं आती इसलिए कम बोलता हूं, तुम भी ट्राई करो। मतलब क्या मैं ढंग से बात नहीं करती? अरे तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। तुम्हें पता भी है मैं कितनी दूर से आई हूं और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। क्यों इतनी बड़ी मेहरबानी की पता जान सकता? पहले तुम बिल्कुल ऐसे नहीं थे, अब तुम बहुत बदल गए हो, बहुत अजीब से हो गए हो। प्लीज पहले जैसे हो जाओ प्लीज। वो ना पहले कौन सा, मैं तुम्हें लंच या डिनर पे लेके जाया करता था या कभी हम लॉन्ग ड्राइव पे जाया करते थे। लॉन्ग ड्राइव, गुड आइडिया, चले क्या? मैं अभी तैयार होके आती हूँ। तैयार? हाँ और मजीद तैयार। फॉर गॉड सेक मोना, तुम अपने मुंह पे इतना मेकअप थोपती हो, तुम्हारी स्किन सांस कैसे लेती है? स्किन से सांस नहीं लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं बेवकूफ। हेलो, हाय इफ्रा, यार तुम अभी तक हॉस्पिटल में ही हो? बाजी बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये रानिया तो पक्की जादूगरनी निकली, उसका धुला मुंह देख देखकर इसको मेरे ब्रांडेड मेकअप की कदर ही नहीं है। लेकिन मैं भी छोड़ूंगी नहीं, मजा चखा कर रहूंगी। क्या दादी रानिया से मिलना चाहती है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि दादी रानिया को याद कर रही है? सिर्फ याद नहीं, बहुत याद कर रही है। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये है कि दादी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, दवाइयों का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़े। तुम जाओ डॉक्टर से जाके मेडिकेशन चेंज करवाओ फौरन। क्या क्या मतलब है यार? मेरा मतलब कि यार रानिया, she's so irritating यार, उसे कोई कैसे याद कर सकता है? I mean उससे मिलने के लिए कोई तरस सकता है? It's impossible। जी नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत स्वीट है, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। या या। अब मेरे बारे में भी अपने सुनहरे ख्याल सुना दो। प्लीज यार इफ्रा, so shocked यार, हैरानी हो रही है मुझे। होते रहो हैरान, लेकिन कल रानिया को जरूर लेकर आना, समझे? बाय। मैं कैसे? हेलो, पागल हो गए सारे। महीर, ये रानिया नहीं है, ये क्या कर रही कली गार्डन में? अरे ये रानिया है दादी, इसके पास पागलपने का लाइसेंस है, अगर ये दरख्त पर उल्टी भी लटक जाए ना तब भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप बैठ जाएं आराम से। हनेरा हो गया है, नाले मौसम बदल रहा है, तू जाके वे क्या कर रही है? अरे दादी कुछ नहीं होगा उसे, और वैसे भी मैं बहुत जरूरी गेम खेल। मैं कह रही है ना जा। ठीक है आप कह रही है तो चला जाता हूँ, देखता हूँ जाके। क्या मुसीबत है यार। दादी परेशान हो रही है, क्या हुआ है? अब मेरा मतलब रात को यहाँ बैठ के क्या कर रही हो? अम्मा जी से कोई फिक्र ना कर, आ जाते हैं थोड़ी देर। उन्हें तुम्हारी फिक्र नहीं हो रही है कि जो कई सालों से इन दरख्तों पे जिन भूत रह रहे हैं ना, उनके बच्चे कहीं तुम्हें देख के डर के भाग ना जाएं। अम्मा जी से ज्यादा तो आपको फिक्र लग रही है इनकी, किसी चुड़ैल से इश्क मशूके तो नहीं कर बैठे? अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, कभी मेरी जिंदगी में इतना बुरा वक्त ना लाना कि मुझे इससे इश्क करना पड़े। मैं क्या चुड़ैल दिखाई देती हूँ? मोना क्या आ गई लाइफ में? मजाक सोचते रहते हैं हर वक्त। चुड़ैल दिखाई नहीं देता, तू चुड़ैल हो। पुत्री तू की इस वेले कली गार्डन के चक्कर काट रही है? देख मौसम बदल रहा है, तू बीमार ना पड़ जाए। अम्मा जी मौसम तो बदल चुका है, जिनके माथे से बल नहीं जाते थे अब उनके दांत अंदर नहीं जाते। भाई लोगों की तो जिंदगियां ही बदल गई, बाहर ही बाहर आ गई है लाइफ में। चल अंदर चली, चल आ जा। चले
आ जा। चल चल, मैं तो तेरे पीछे आई हूँ। हाँ हाँ, निका जो मुंह निकाल लिया है, तुम तो इस तरह से मायूस हो रही हो जैसे तुम्हें उसका पता नहीं हो। वो तो है ही ऐसा सड़ा खड़ूस। अगर आपको पता है कि उसका मिजाज ही सड़ा खड़ूस है तो आपने मुझे आज देख के क्यों रखा हुआ है? पहले वो बहुत नखरीला था, लिफ्ट नहीं करवाता था, बहुत प्राउड में रहता था, मगर अब तो भाई वो किसी के इश्क में मुब्तला हो गए और अब उस पेंडू सी शक्ल वाली का धुला मुंह देखकर ऐसा फिदा हो गया है कि मेरा मुंह से बुरा लगने लगा है, मेरा मेकअप। महीन ने कुछ कहा है? कुछ नहीं, बहुत कुछ कहा है उसने मुझे, और तो और उसे मेरा मजाक उड़ाया। ओ, तो ये बात है। देख मोना, ये लड़की बड़ी तेज है, छलाक लोमड़ी की टाइप। वो पूरे घर वालों को ना अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। हमने उसका जादू तोड़ना है, बता रही हूँ तुझे, हमने गिव अप नहीं करना। महीर की नजरों में उसको हम गिराएंगे। मगर कैसे? दोनों सिस्टर्स बैठ कर प्लान करेंगे ना। आपने जो भी करना है ना, प्लीज जल्दी कीजिएगा, टाइम नहीं है मेरे पास, और जो बचा कुचा टाइम है ना, मैं इसके लिए ख्वार नहीं होना चाहती। उधर ठेकेदारों का लड़का, वो भी मेरे आस में बैठा है बेचारा, अब मैं इसके चक्कर में अपना दूसरा चांस तो नहीं मिस करना चाहती। फुटे मुंह तेरा मोना, यहाँ पे मैं तेरे लिए शहजादा टाइप ढूंढ के बैठी हुई हूँ और तू ठेकेदारों का लड़का, जाहिल गवार लोफर लफंगा, उसके ख्वाब देख रही है तू। आइंदा उसका जिक्र मत करना मेरे सामने, समझ आई? सही महीर ने मजाक उड़ाया था तेरा, तो लेवल देख अपना है, स्टैंडर्ड कितना गिर गया है। अरे भाई, मैंने ये नहीं कहा कि वो मेरे ख्वाबों का शहजादा है, वो तो बस मैंने ऐसे रिजर्व रखा हुआ है। ला के वास्ते, चुप हो जा और बकबक मत कर, किसी ने सुन लिया ना तेरा मालूम नहीं, लेकिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि अब आप करेंगी क्या और कैसे? महीर को कहूंगी कि बच्चे आइसक्रीम खाने के लिए जिद कर रहे हैं, एंड टाइम पे बच्चों को रोक लूंगी, तू जाना उसके साथ। ये चीज है तो मैं जल्दी से जाके तैयार हो जाती हूँ। हाय मैं मर जाऊं, मोना और कितना तैयार होगी? हाय अल्लाह, एक तो मेरे मेकअप से हर किसी को प्रॉब्लम है, मैं जरा मॉडर्न लाइफस्टाइल में रहने की आदी हूँ और मैं अपने आप को नहीं बदल सकती किसी के लिए, मैं जरा टचअप करके आती हूँ। ओके बाय। बड़ी जिद्दी है। आ जाए। वो कल इफ्रा की कॉल आई थी, उसकी दादी का मैसेज है तुम्हारे लिए। यकीनन सलाम भेजा होगा मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। सलाम से बढ़कर कुछ है, तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों से इंप्रेस हो गई, तुम्हारी अकल और दानिश से फैजियाब होना चाहती, बुलाया है मिलने के लिए। अच्छा, मैं जरूर जाऊंगी मिलने। मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ, आधा घंटा है तुम्हारे पास, तैयार होकर आ जाओ वरना निकल जाऊंगा। आधा घंटा क्यों, मैं बस अभी आई। चलो भैया। से निकल रहा, मेरे कमरे में तो आते ही नहीं है। चुप कर, तू रेडी है? हाँ, कब से? महीर, हाय मैं मत, महीर महीर मेरी बात सुन। देख, जब से मेरी मोना आई है ना, ये घर में ही बंद होती है, इसको ले जा जरा आइसक्रीम शाइसक्रीम खिला है। अभी तो चाची मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मोना तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम चाचा और चाची के साथ चले जाओ ना आइसक्रीम खाने, इसी बहाने बच्चे भी खा लेंगे। चलो चलो, बड़ी देर हो गई है, आ जाए। मशवरे का बहुत शुक्रिया। पूल, पूल रहे। सारी उम्र के लिए बैठेगी तो आगे। मुझे जाना ना। ऐसा प्लान बनाऊंगी, सारी जिंदगी तू ही होगी उसके साथ, है? चल अब अंदर, धूप है, काले हो जाएंगे। हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इफ्रा और उसकी दादी ने मुझे याद किया है। अरे मैम रानिया, आपको अपनी खूबियों का अंदाजा ही नहीं है। अरे आपकी शख्सियत ऐसी है कि कोई इंसान आपसे एक दफा मिल ले दोबारा ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, अरे हाँ हाँ, आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे क्या शख्सियत है आपकी, आप में इतना इल्म है कि कोई आपसे बात कर ले, उसके बाद आपके इल्म से फैजियाब हुए बगैर तो उसका गुजारा ही नहीं है। हम इतनी भी तारीफ ना करें। अरे सच कह रहा हूँ मैं, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि आपकी जिंदगी के ऊपर ना एक किताब लिखी जानी चाहिए। और किताब का उन्वान हो The Legends of Rania Chat। घोड़े पर बैठकर तुम आ रही हो, तुम्हारी लाइन है।
बच्चे रानिया नू रानिया ना मारे ते रानिया नहीं हो मर दी हो। बोलो बोलो क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अरे मैं तो तुम्हारे इल्म से फैजियाब होना चाहता हूँ, बोलो। खुशफहमी प्लस गलत फहमी। वेलकम वेलकम जी आयानू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हें याद करी थी मैं, सोच रही थी इफ्रा से तुम्हारा नंबर लूँ और तुम्हें कॉल करूँ, तुम्हारी बातें तुम्हारी भोली शक्ल बड़ी याद आ रही थी। हाय हीरो, ये भी साथ आई हूँ मैं? भाई ये तो तुम्हें अकेला ही नहीं छोड़ते, लेकिन रोज ना एक घंटे की क्लास देनी चाहिए तुम्हें इन्हें, भाई इनको भी थोड़ा हंसना मुस्कुराना सिखाओ, तुम्हारी पर्सनालिटी से तो बिल्कुल डिफरेंट है ये। दादी से मिल के आ रहा हूं। वैसे लड़का तो बड़ा अच्छा है, लेकिन थोड़ा सड़ियल नहीं है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी तुम्हें, ये नुक्स भी ठीक हो जाएगा। मैं क्यों मेहनत करूं, आएगी ना इसकी बीवी, वो ही सीधा करेगी इसे। क्या तुम दोनों मंगेतर नहीं हो? ये किसने कह दिया आपको? मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। अच्छा अभी मैं जा रही हूँ दादी से मिलने, वापस आती हूँ आपके पास, आपको खुद अपना नंबर देके जाऊंगी, जब जी चाहे मुझे कॉल कर लीजिएगा, हैं? आप तो खुद इतनी क्यूट सी हैं। आती हूँ। आप कुछ लीजिए ना, ये सब मैं अपने हाथों से बना कर लेकर आई हूँ। इतनी सारी चीजें आपने, इतना तकल्लुफ क्यों किया आपने बहन? कोई तकल्लुफ नहीं। अच्छा चलें ये ओट्स लें, ये टेस्ट करें, ये तो बहुत अच्छा है आपके लिए। अरे रानिया पता नहीं कहाँ रह गई, अब तक नहीं आई। इस हॉस्पिटल में उसने इतने सारे रिश्तेदार बना लिए, लगी भी होगी किसी के साथ बातें करने में, आ जाएगी थोड़ी देर में। अरे इस बच्ची के बारे में आपको क्या बताऊं मैं, माशाल्लाह इतनी प्यारी बच्ची है, अपना खून नहीं है, अपना रिश्ता नहीं है कोई इससे, लेकिन लगता है अपना खून है, लगता है मेरी अपनी पोती है। किस लिए भाई, उसके अखलाक की वजह से और किस लिए? सही बात, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माहिर, बहुत खुश किस्मत हो तुम। जी जी बहुत शुक्रिया। बेटा आज के जमाने में ढूंढने से भी इतनी अच्छी लड़की नहीं मिलती। बिल्कुल सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही। बस बहुत हो चुका, मैं आपको बताता हूँ आंटी, असल खुश नसीब ना मैं नहीं हूँ। माहिर ये 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 बॉटल है ना, इसका कैप नहीं खुल रही है मुझसे। कौन सी ऐसी बॉटल है इसका? तुमसे तुम हमारे सारे केक कराए पे पानी भरना चाहते थे। अच्छा, और तो तुम लोग ने उस फजूल लड़की का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ दिया, वो उसका क्या? थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेरे और साले के लिए थोड़ा बर्दाश्त कर लो, और ऐसे भी वो इतनी बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। अब अगर तुमने उसकी शान में एक जुमला भी और कहा ना, तुम सबके सामने पांडा फोड़ दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। दीदी रो खुश हो, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, अभी तुमको याद कर रहे थे। कैसी आपकी? मैं बहुत बेहतर हूँ अल्लाह का शुक्र। और कितना अच्छा इत्तेफाक हो गया ना कि मैं आई और आप लोग भी आए, मैं मुलाकात हो गई। अभी मैं माहिर से यही कह रही थी कि ये बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम्हारी जैसी हम सफर मिली। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, वो माहिर तो माशाल्लाह हर मामले में ही खुशकिस्मत है। जी बिल्कुल सही कह रही है आंटी, मैं तो इतना खुशकिस्मत हूँ कि बचपन में ही मेरी इससे मंगनी हो गई थी, खुशकिस्मती ने बचपन में ही मेरे दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। अरे तो ये बचपन से तुम्हारी मंगेतर है, माहिर तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया था? बताया था, बहुत बार बताया था, मुझे सालिक दोनों को बताता है ना, सालिक बताया था ना। जी जी बिल्कुल, मुझे तो यहाँ तक कह चुका है कि अम्मा जी से सिफारिश करके मेरी शादी की डेट मांग लो। कहता है मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता। माहिर बेटा तुम हमें अपनी शादी पे बुलाओ या नहीं बुलाओ, हम सब बिना बुलाए तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे। जरूर 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 आइएगा। अरे बेटा ये देखो, ये टेस्ट करो, ये सब मैं अपने हाथों से बना के लेकर आई हूं। कितनी मेहनत की। तेरे आने से हो याने बहार, दिल नची जावे धक धक के।